राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर लगातार फिर बढ़ती दिखी है। इस वजह से कोरोना के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को संक्रमण दर 12% को पार कर गई। इस वजह से कोरोना के बीते 24 घंटे में 2419 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में 1716 मरीज ठीक भी हुए। आपको बताएं, गुरुवार को कोरोना के 2202 नए मामले आए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 18,680 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। वहीं मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6,875 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 411 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।